मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल। तो बात करते हैं आज के गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस थर्ड जोन बन चुका था और यहाँ पर हम आते हैं सीधा जोन के मिड में। बट ये वाले सेक के सामने गाइस जो रीच है वहाँ पर दो बंदे थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आराम से सेक के अंदर आते, बिकॉज हम नहीं जाते थे कि यहाँ पर एक आधा नॉक निकले और फिर वो हम पे पुश करे। तो यहाँ पर हम इजिली तो सेक में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत डैमेज भी पड़ा था, तो अपने आपको हील वगैरह कर लेते हैं हम इजिली यहाँ पर। अब यहाँ पर गाइस हम आराम से होल्ड करते रहते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन है वो भी हम पे बनता है। और इतने में यहाँ पर हमारे क्लोज से गाड़ी निकलती है जिसपे हम थोड़ा सा स्प्रे वगैरह लेते हैं। बट यहाँ पर गाइस फिलहाल के लिए बंदा हमसे मिस हो जाता है, बट आगे जाके कोई और इसे नॉक देता है M4 से, तो यहाँ पर ये ओपन में नॉक पड़ा हुआ मुझे स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पर इससे मैं DP के बस से इजिली फिनिश भी कर देता हूँ। और यहाँ पर गाइस इस बंदे को हमने इजिली मार दिया और फिलहाल के लिए गाइस जोन हम पे ही था, तो बस यहाँ पर हम थोड़े से बंदे ने स्पॉट करते रहते हैं ताकि थोड़े बहुत किल्स निकाल सके। और इतने में गाइस यहाँ पर हम बंदे स्पॉट करते रहते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड में ओपन में यहाँ पर दो बंदे ओपन रोटेशन मारते हुए दिख जाते हैं। अब यहाँ पर गाइस इसके एक बंदे को तो मैंने इजिली नॉक फिनिश डाल दिया, बट गाइस इसके जो सेकंड वाला बंदा था उसके बाद वेब शूटर था, तो वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फास्ट में रोटेशन मारता है। और इतने में गाइस यहाँ पर नेक्स्ट जोन कट चुका था और गाइस हम बस वेट करते हैं जोन के आने का, लाइक एच से। और यहाँ पर जोन को आने में 13 सेकंड बचे हुए थे, लाइक 10 सेकंड ही, तो हम फटाक से अपनी व्हीकल लेते हैं और यहाँ से सीधा जोन में रोटेशन मार देते हैं। बिकॉज गाइस जोन में अर्ली जाओगे तो सब मारेंगे और एच से निकलोगे तो आपको इजीली कोई ना कोई तो पोजीशन मिल ही जाएगी, बिकॉज उस टाइम पर सब बंदों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर होता है, तो वहाँ पर कोई भी आप पे स्प्रे नहीं लेगा और आप इजीली जोन में भी पहुँच जाओगे। अब ये वाला पत्थर गाइस मुझे जोन के एज पे एक अच्छा सा पोजीशन लगा, तो यहाँ पर मैं अपने पीछे साइड से गाड़ी का कवर बना लेता हूँ। और यहाँ पर सामने से मुझे कवर था ही, बट यहाँ पर गाइस पीछे एक US आ चुकी थी, तो मैं फटाक से पीछे एक स्मोक कर देता हूँ और गाड़ी के कवर में आ जाता हूँ। और जैसे यहाँ पर गाइस मेरा टीममेट गाड़ी के कवर में आता है, कि इस टाइम में गाइस सामने शेक से उसे एक बंदा नॉक दे देता है, तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से रिवाइव देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये बंदे हम पे पुश करे और हमारा गेम यही खत्म हो जाए। और यहाँ पर गाइस इन बंदों ने गाड़ी निकाल भी लेती, तो यहाँ पर मैं इसे कॉल देता हूँ कि तू पहले हील करेगा और मैं इसे फाइट लूंगा। बट यहाँ पर गाइस ये जो बंदे थे वो सामने जो रीच होती है वहाँ पर रुक जाते, तो फिलहाल के लिए इनका पुश यहाँ पर हम पे नहीं है, तो यहाँ पर हम इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। और इतने में गाइस नेक्स्ट जोन भी कट चुका था जो हमसे 60 मीटर दूर था, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर होल्ड करते हैं और वेट करते हैं जोन के एज से निकलने का। बिकॉज गाइस बैक एरिया में कोई ना कोई तो होता ही है जो आपको हमेशा सरप्राइज में आके थर्ड पार्टी करके इजीली फिनिश कर देगा, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं थोड़ा सा, ताकि अगर हमारे पीछे कोई बंदा होगा तो उसे पहले जोन में निकलना होगा और हम उन्हें इजीली मार पाएंगे और वो हमें पीछे से थर्ड पार्टी भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर बस हम वेट करते हैं बंदों के स्पॉट होने का हमारे पीछे से। अब गाइस मैं बहुत टाइम तक पीछे देखता हूँ, बट फिलहाल के लिए हमें कोई बंदा स्पॉट होता नहीं है। और इतने में गाइस हमारे सामने जस्ट जोन के अंदर फाइट चल रही थी जिसमें से एक टू अभी जस्ट फिनिश हुआ है और यहाँ पर एक लास्ट बंदा था जिसे यहाँ पर हम आके मैं इजिली मार दूंगा। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर जोन में एक अच्छा सा पोजीशन मिल गया, तो मैं फटाक से क्लोजिंग करता हूँ और यहाँ पर इस पोजीशन को सबसे पहले तो होल्ड करता हूँ और अपने टीममेट को भी कॉल देता हूँ कि तू भी फटाक से यहाँ पर क्लोजिंग कर ले और हम दोनों आराम से इस पोजीशन को होल्ड करते हैं और बस उसके बाद हमें जोन में रहकर थर्ड पार्टी में किल्स वगैरह निकालना है। अब यहाँ पर गाइस मैं अपने आप को पूरा फुल बूस्ट करता हूँ, बिकॉज जो जोन है वो क्लोजिंग करना स्टार्ट कर चुका था और हमारे पीछे से बहुत सारे बंदे आने वाले थे। इतने में गाइस मुझे पीछे जस्ट यहाँ पर एक व्हीकल का साउंड आता है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर स्पॉट करने जाता हूँ तो फिलहाल के लिए ये बंदा गाइस हमसे मिस हो जाता है, तो मैं वापस से अपने पोजीशन पर जाता ही रहता हूँ। इतने में मुझे वापस से पीछे एक और व्हीकल का साउंड आता है, अब यहाँ पर गाइस ये बंदा आई थिंक अपने व्हीकल में पेट्रोल भर रहा था, बट यहाँ पर इसका बैट लगता, जैसे इसका स्मोक हटा तो हमें इजीली स्पॉट हो जाता है और यहाँ पर हम इसे इजीली नॉक भी दे देंगे। और इतने में गाइस पीछे से यहाँ पर एक बियाडम वाला मेरा किल चुराने को आता ही है, बट यहाँ पर आई थिंक इसका सेकंड बंदा किसी और से मर जाता है और यहाँ पर मुझे इसका किल मिल जाता है। और इतने में गाइस यहाँ पर मुझे ओपन में एक सांप
स्पॉट हो जाता है, किसी में इजिली नॉक दे दूंगा, बट इतने में पीछे साइड से मुझ पर एक स्प्रे आता है, तो मैं फिलहाल के लिए तो स्प्रे से मिस हो जाता हूँ, और यहाँ पर बट उस स्प्रे से मुझे अच्छा खासा डैमेज बैठा, तो मैं नीचे आके अपने आपको हील करता रहता हूँ कि इतने में यहाँ पर पीछे साइड से एक बंदा आ जाता है, तो फिलहाल के लिए हम पे स्प्रे ले रहता, और यहाँ पर ये अकेला था जो हमें दिक्कत दे सकता था, तो यहाँ पर मैं इस पर डायरेक्ट पुश कर देता हूँ, और यहाँ पर इस बंदे को भी हम इजिली मार देंगे, तो फिलहाल के लिए इसने मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया, तो मैं कवर में आता हूँ और अपने आपको हील वगैरह कर लेता हूँ, और पेटी से थोड़े से लूट वगैरह भी ले लेता हूँ, बट यहाँ पर गाइस नेक्स्ट जोन भी कट चुका था और वो हमसे 40 मीटर दूर था, और यहाँ पर गाइस अब लास्ट चार बंदे बचे हुए थे जो आई थिंक हमारे हिसाब से जो रोड के उस पार थे, बट एंड में कुछ और ही होने वाला है जो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर गाइस मैं सोच रहा हूँ कि पीछे वाले बंदे का ग्रोजा थी जो क्लोज रेंज ने मुझे एडवांटेज देगी, तो जैसे ही उसे मैं लेने आता हूँ, बट इतने में पीछे से मुझ पर स्प्रे आता है, तो मैं वापस अपने पोजीशन पे आ जाता हूँ, बिकॉज गाइस इस टाइम पे नॉक बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, और इतने में गाइस हमारा जो टीममेट है वो उस बंदे को इजीली मार देगा, और इतने में हमारे टीममेट को यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट हो जाता है जो लेफ्ट साइड में ट्री के पीछे था, और यहाँ पर स्पेस ऑन भी थी, तो यहाँ पर मैं जस्ट उस पर एडीएस ऑन करता हूँ और वेट करता हूँ उस बंदे के पिक लेने का, बिकॉज यहाँ पर गाइस मैं चाहता था कि ये सोलो जोन में जाते थे हमें कोई दिक्कत ना दे, तो यहाँ पर मैं इसे देखता ही रहता हूँ, बट यहाँ पर ये स्पॉट तो होता नहीं है, लाइक पिक वगैरह देता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना हमारी जो व्हीकल है इसे थोड़ा सा आगे ला के रखा जाए, बिकॉज जैसे ही जोन सिंक करना स्टार्ट करेगा तो मैं फटाक से व्हीकल लूंगा और जोन में पोजीशन बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं राइट साइड थोड़ा सा चेक करने जाता हूँ कि यहाँ पर गाइस दो बंदे ऑलरेडी लेटे हुए थे जिनका ध्यान हम पे ही था, और जैसे ही मैंने इस पर स्प्रे लिया तो यहाँ पर ये दोनों मिलके मुझे नॉक कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा टीममेट मुझे फटाक से रिवाइव देता है, और गाइस इन दोनों बंदों ने भी रोटेशन मारना स्टार्ट कर दिया था लाइक हम पे पुश करने को, बट इतने में गाइस जो सोलो बंदा था उसे यहाँ पर ये डुओ मार देता है, और यहाँ पर जो डुओ था गाइस ये हमारे सामने जस्ट रिच पे आ चुका था जो फिलहाल के लिए हम पे स्प्रे ले रहा है, बट गाइस यहाँ पर देखना कि लाइक हम इनसे किस तरह से फाइट लेने वाले हैं। अब इसमें से एक बंदा गाइस यहाँ पर जोन से नॉक हो जाता है, और यहाँ पर गाइस ये मेरे सामने जस्ट रिंग रिंग कह रहा था, बट यहाँ पर इसे मैं फिनिश बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज गाइस यहाँ पर जोन का डैमेज कुछ ज़्यादा ही था, और अगर इसे मैं फिनिश करूँगा तो मेरा हिल बैटल वेस्ट हो जाएगा, और इतने में गाइस इसका जो सेकंड बंदा है मुझे जोन के अंदर जाते हुए स्पॉट हो जाता है, और यहाँ पर गाइस इस बंदे को हम इजिली मारेंगे, और यहाँ पर हमारा एक ईजी सा चिकन डिनर। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।